चलिए। सो बेटा, यस्टरडे यस्टरडे आई हैड आस्क्ड यू फ्यू क्वेश्चंस, बट ये क्वेश्चन हमारा एक रह गया था। सो ओवरीज, यू नो ओवरीज आर इंट्रा एब्डोमिनल, हमें ओवरीज बाहर नहीं नजर आती है, वो फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी में है। बट यू नो दैट टेस्टिस, जो टेस्टिस की सैक है, स्क्रोटम है, जिसके अंदर टेस्टिस है, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमन इन बिटवीन द लेग्स, राइट। सो व्हाई भगवान ने या नेचर ने, ये हम क्या देते हैं ना पंजाबी में, वितकरा, ये डिफ्रेंसिएशन क्यों की है? मेल्स में टेस्टिस बाहर है, फीमेल्स में ओवरीज अंदर है, व्हाई? कैन एनीबडी गिव मी द आंसर? एट्थ एफ, एनीबडी वांट्स टू गिव मी द आंसर? कि व्हाई टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? यस, एट्थ एफ, रोल नंबर 25। यस, जिसको आंसर आता है वो बोले, और अदरवाइज 25 रोल नंबर, एट्थ एफ रोल नंबर 25, कम क्विकली। पता है आपको? यस और नो? चलो बैठो। एनीबडी फ्रॉम एट्थ एफ? एट सी, एट सी में रोल नंबर 13, एट सी में, यस, जोर से बोल रहे हैं। हाँ, पता है आपको कि नहीं? नो नो। यस, एनीबडी एल्स फ्रॉम एट्थ ई? किसी को नहीं, सिर्फ एक बच्चे को पता है, और उसको कल भी। यस, इन एट्थ जी, मिडल रो, सेकंड बेंच पे जो बॉय है, कम फॉरवर्ड। बिकॉज स्पर्म नीड्स 2 डिग्री लेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यस, बिकॉज, बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा लिखवा देती हूँ बाकियों को, ये क्वेश्चन आना जरूर है, इसलिए आंसर लिख लो। एक्सप्लेन व्हाई वाले क्वेश्चंस में ये आना है, और एमसीक्यू में भी आ सकता है। सो आंसर इस पहले समझो, फिर लिखना कि बॉडी का टेम्परेचर और स्क्रोटम का टेम्परेचर, ध्यान से, स्क्रोटम कहाँ पे है? वो सैक है, राइट, इफ यू रिमेम्बर। इधर ध्यान से कि ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये लेग्स है, और ये स्क्रोटम है। दीज आर लेग्स, लेग्स के बीच में जो है, जो थैली है, जो एक सैक है, दैट इज स्क्रोटम, एंड दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, राइट। तो इसके बाहर है, एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर एक्स डिग्री है, कुछ भी है, और स्क्रोटम का टेम्परेचर एक्स डिग्री -2, ठीक है। तो स्पर्म्स, इसका क्या मतलब है? एब्डोमन हैज हाई टेम्परेचर देन स्क्रोटम, एंड स्पर्म्स गेट्स किल्ड एट हाई टेम्परेचर, राइट। इफ द टेस्टिस आर इन एब्डोमन, देन स्पर्म्स विल गेट किल्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, राइट। दैट्स व्हाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमन। तो आंसर लिखिए, द टेम्परेचर, बातें बिल्कुल भी नहीं, द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज 2 डिग्री लेस देन एब्डोमिनल कैविटी। स्पर्म्स, सेकेंड पॉइंट लिखिए, राइट डाउन इन पॉइंट सो दैट यू कैन रिमेम्बर द थिंग्स। पैराग्राफ्स में लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाती है। स्पर्म्स, स्पर्म मैच्योरेशन रिक्वायर्स लो टेम्परेचर,
ओके, जल्दी से क्विकली नोट आउट। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। सो आई हैड आस्क्ड यू कि ओनली वन स्पर्म इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, देन व्हाई डू मेल्स प्रोड्यूस अबाउट 300 मिलियन स्पर्म्स? एट्थ बी, रोल नंबर 6। एट्थ बी, रोल नंबर 6 है कि नहीं? और मे आई आस्क, एब्सेंट एब्सेंट है, नो प्रॉब्लम। रोल नंबर 7, मन्नत आ जाओ बेटा। एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन, यू नो, अगर हम बात करें, पहले यहां पे ध्यान से देखो, फर्टिलाइजेशन यहां पे फर्स्ट, सी दिस, दिस इज एग। इसके बाहर बहुत सारे स्पॉन्स आए, मैनी, अबाउट 100 स्पॉन्स। इस तरह से बहुत सारे स्पॉन्स आए, दिस इज एग, दीज आर स्पॉन्स, बट ओनली वन स्पॉन एंटर इन साइड द एग, बाकी सारे यहां पे रह जाते हैं। ठीक है, बाकी सब बाहर रह जाते हैं। सो फ्यूजन ऑफ वन एग प्लस वन स्पर्म, इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और क्या बना? एक जाइगोट, दिस इज जाइगोट, फर्टिलाइजेशन फॉर्म जाइगोट, राइट? सो वन स्पर्म फ्यूजेस विद वन एग, देन व्हाई डू, हां जी, हमारा एट्थ बी में से आई थी द गर्ल, मन्नत आई हो, राइट? सो जल्दी से बोलो, नाम भी याद रहता है कब से बोला बोलते। व्हाई 300 मिलियन स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड? Do you know the answer? बैठो बेटा, बैठो बैठो। प्राची फ्रॉम सेम क्लास, प्राची फ्रॉम सेम क्लास, जल्दी से आओ, जल्दी से। डू यू नो, यस और नो? मैम एनी स्टूडेंट फ्रॉम एनी क्लास, एनी स्टूडेंट? सिर्फ एट्थ जी में एक बच्चे को पता है या दो बच्चों को पता है? समबडी एल्स, समबडी एल्स। यस, इन एट्थ ई देर इज वन स्टूडेंट इन लास्ट बेंच। यस, कम फॉरवर्ड। हाँ जी, एट्थ ई। Because ma'am, if due to any reason sperm can't fertilize the egg, so that other can fertilize it. हाँ, हम ये थोड़ा सा, ये आप थोड़ा सा वेग आंसर हो गया, बट बैठो आप। यस, एट्थ जी में बेटा जो सेकंड स्टूडेंट टुवर्ड्स वॉल, आप बताओ। हाँ, And for the surety of fertilization, because many sperms get killed due to the transfer of the female gamete. यस, मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करूंगी। वेरी गुड, सबने थोड़ा थोड़ा ठीक बताया कि बेटा 300 मिलियन। देखो, जैसे अगर आपने, इफ यू हैव स्टडीड, ध्यान से कर देखो, बाकी सब छोड़ो, यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 7, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो मेनी पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, बट ओनली वन एग इन वन पिस्टल।
Have you studied this in class 7? Yes or no? मैम यस ठीक है, देन व्हाई सो मेनी पोलन ग्रेन्स? ठीक है, क्योंकि जब वो हवा से जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, मेनी फीमेल प्लांट इस साइड है और डायरेक्शन इस साइड है, सो पोलन ग्रेन्स मूव विद विंड टू द अदर डायरेक्शन, दे गेट डिस्ट्रॉयड. और इफ द विंड इज हेयर, देन पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग देयर पैसेज मेनी गेट्स डिस्ट्रॉयड, ओनली फ्यू पोलन ग्रेन्स रीचेस टू द करेक्ट पिस्टन. लाइकवाइज व्हेन द सीमन इज इंसेमिनेटेड, ध्यान से सुनना है, सीमन इज इंसेमिनेटेड इन द विजाइना ऑफ द फीमेल, आउट ऑफ 300 मिलियन स्पर्म्स मेनी स्पर्म्स आर ऑलरेडी डेड, पहले से ही मरे हुए हैं, मेनी स्पर्म्स आर एबनॉर्मल, किसी की टेल नहीं है, किसी का हेड नहीं है, देन द स्पर्म्स विच आर मूविंग अप थ्रू विजाइना थ्रू यूट्रस, सो ड्यूरिंग दैट पैसेज मेनी स्पर्म्स गेट्स किल्ड, सो ओनली आउट ऑफ दीज, अगर किसी के हेल्दी स्पर्म्स है किसी मेल के, तो ओनली अबाउट 100 स्पर्म्स रीचेस इन द फिलोपियन ट्यूब्स, राइट? एंड यू नो द एट द टिप ऑफ द स्पर्म देयर इज प्रेजेंट एक्रोसोम, यस और नो? ठीक है, एक्रोसोम क्या करता है, एग मेम्ब्रेन्स को डिजोल्व करता है, तो सिर्फ एक एक्रोसोम एग मेम्ब्रेन्स को डिजोल्व नहीं करता, ये बहुत सारे स्पर्म्स जिनके एक्रोसोम एग मेम्ब्रेन्स को डिजोल्व करता है, और जैसे ही सब कोशिश कर रहे हैं कि स्पर्म अंदर, ये कहता है मैं अंदर चला जाऊं, ये कहता है मैं अंदर चला जाऊं, ये सोच रहा है मैं अंदर चला जाऊं, बट एज सून एज वन स्पर्म एंटर्स इनसाइड, इमीडिएटली दिस मेम्ब्रेन जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन है, इट फॉर्म्स ए ब्लॉक ड्यू टू विच नो फर्दर स्पर्म एंटर्स इनसाइड द एग. ठीक है, जैसे ही एक अंदर जाता है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन अपने आप को इतना हार्ड कर लेती है कि कोई दूसरा स्पर्म उसके अंदर नहीं जा सकता, तो जाइगोट जो है, इट इज फॉर्म्ड बाय, रिमेंबर दैट इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ ओनली वन एग एंड वन स्पर्म. ठीक है, पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं इसका आंसर आपको लिखवाती हूँ. ड्रॉ दिस डायग्राम. These are the things which you people don't find in the books. ये सिर्फ टीचर ही बता सकती है आपको. ठीक है, Why teachers are required to explain the things? But you have to keep these things in your mind as well as in your copy. Everybody done? चलें आगे. चलिए, may I rub it? अच्छा, बनाओ मैं फटाफट से बनाओ. चलिए नेक्स्ट है, आप कर ही लिया होगा आपने, तो राइट डाउन व्हाई सो मेनी स्पर्म्स, फर्स्ट पॉइंट है मेनी स्पर्म्स आर एबनॉर्मल, सेकेंड है मेनी स्पर्म्स डाई व्हेन दे मूव फ्रॉम वेजाइना टू फेलोपियन ट्यूब्स. Of females,
एंड थर्ड इज ओनली अबाउट 100 स्पर्म्स रीचेस एट फेलोपियन ट्यूब्स। एफटी मैंने लिखा है, आपने एफटी नहीं लिखना है, आपने पूरा फेलोपियन ट्यूब्स लिखना है। ओके एंड फोर्थ पॉइंट, एज सून एज 1 स्पर्म एंटर्स इन द एग, एंटर्स इन द एग कॉमा करके फर्दर एंट्री ऑफ एनी मोर स्पर्म्स इन द एग गेट्स ब्लॉक्ड। दिस इज फर्दर, ठीक है। और अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए देन यू कैन राइट डाउन कि मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स दे डाई व्हेन दे मूव फ्रॉम वेजाइना टू फेलोपियन ट्यूब्स। Is it okay? जल्दी से इधर उधर पीछे नहीं देखना बेटा, अपनी कॉपी पे। जिसने कर लिया वो दोबारा से पढ़ ले एक बार, रीड इट अगेन। ओके, सो लेट्स मूव टू टेस्ट। फ्रॉम स्टूडेंट्स इन 7th जी आर स्टिल राइटिंग, राइट क्विकली। ओके डन। सो नाउ पहले लिखो एंड देन आई विल आस्क। फिल द ब्लैंक्स। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज, यू हैव टू राइट एक्सटर्नल और इंटरनल एंड वेयर इट अकर्स, व्हाट इज द साइट। यहाँ पे आपने लिखना है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और यहां दिस फिल इन द ब्लैंक, एक्सटर्नल और इंटरनल। लाइकवाइज डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन ह्यूमंस इज एक्सटर्नल और इंटरनल। स्टार्ट्स इन पार्ट आपने लिखना है एंड इज कंप्लीटेड इन विच पार्ट। क्विक So let me ask from 8th C and 8th C I want to ask from Gaurish and Gurveer, roll number 17 and 18. Yes, Gaurish. Tell me, fertilization in humans, external or internal? Internal. Internal. Very good. It is internal. And what is the site of fertilization? Fallopian tube. Fallopian tubes, very good. बैठो बेटा।
फेलोपियन ट्यूब्स और इट मे बी ओविडक्ट्स। देन वी कम टू सेवंथ डी, एट्थ डी, आई एम सॉरी, इट्स एट्थ डी। कहां पे बैठे हैं, रेज योर हैंड्स, कहां कहां पे एट्थ डी के स्टूडेंट्स? ओके, सो एट्थ डी आई वॉन्ट टू कॉल वंशिका एंड चेतन। वंशिका एट्थ ए में है या चेतन एट्थ ए में है? चलिए, वंशिका एंड चेतन। हाँ जी बेटा, जल्दी से मुझे बताइए, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल इंटरनल, वेरी गुड चेतन, ओके वेरी गुड। एंड वंशिका, कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है डेवलपमेंट? फेलोपियन ट्यूब्स में डेवलप, आपने कहा है इट इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इंटरनल इन फीमेल्स ऑब्वियसली। वेयर इट स्टार्ट्स इन? ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना, कहाँ पे शुरू हो रही है? इसमें फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब्स में है, तो कैसे? ये देखो जरा, इधर देखो, आप खड़े रहना यहीं पे बेटा, ध्यान से ये देखना, मैं आपको बता। बस इधर देखिए, दिस इज ओवरी, राइट? ये दिख रहा है आपको एवरीबॉडी? थोड़ा सा मैं डार्क कर दूं, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो वंशिका ये देखो बेटा, यहाँ पे ये एग बना है, कहाँ पे? ओवरी में। दिस इज एग, एग और ओवम, इट इज रिलीज्ड एंड इट इज पिक्ड बाय किसने? दिस इज फेलोपियन ट्यूब्स। ये पूरी जो है, ये जो है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज फेलोपियन ट्यूब। सो रिलीज ऑफ एग, ये एग यहां से यहां पे रिलीज हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज, वंशिका ये क्वेश्चन आना है बेटा, याद रखना है, ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी एंड पिक्ड बाय द फेलोपियन ट्यूब। देन आप क्या देख रहे हैं, ये सारी फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ये एग है, ये स्पर्म्स है, एक स्पर्म अंदर गया, दिस इज नाउ जाइगोट, है ना? ये मेरा मतलब, ये फर्स्ट जो है ये जाइगोट, यहां पर ना करके ये वाला, दिस इज जाइगोट। उसके बाद दो सेल्स बने जाइगोट के, चार सेल्स बने, आठ सेल्स बने, ये सारी क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। अब मुझे बताओ, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट कहां पे शुरू हुई वंशिका? ओवरी में, फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, कहां पर? ट्यूब्स में। और आप क्या देख रहे हैं और कहां पे कंप्लीट हो रही है, ये भी मुझे बताओ। ये वाली जो चीज है, दिस इज ऑल यूट्रस, ये यूट्रस है, तो कहां पे कंप्लीट हो रही है? यूट्रस में, वेरी गुड। सो एवरीबॉडी यहां देख रहे हो क्या बन रहा है, ध्यान से इधर देखो, बैठो बेटा, वंशिका बैठो। सो व्हाट हैपेंस दैट फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एग, सेकेंड इज ओव्यूलेशन, थर्ड इज फर्टिलाइजेशन, फोर्थ इज डेवलपमेंट। और आप देख रहे हो जाइगोट की डेवलपमेंट कहां पर शुरू हुई, इट इज स्टार्टेड इन द फेलोपियन ट्यूब्स बट इट इज कंप्लीटेड इन द यूट्रस। सी हियर, यहाँ पे ध्यान से देखना है, एट सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड एज मोरूला। वट इज मोरूला? लिखो साइड में, लिख लो मोरूला। मोरूला इज एट सेल्ड एम्ब्रियो, एट सेल्ड एम्ब्रियो, आठ सेल्स है इसमें, एट सेल्ड एम्ब्रियो फॉर्मड इन द फेलोपियन ट्यूब्स, फॉर्मड इन द फेलोपियन ट्यूब्स एंड इज ट्रांसफर्ड इन द यूट्रस।
एंड इज ट्रांसफर्ड इन द यूट्रस। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। इन द यूट्रस मोरूला डेवलप्स फर्दर। इन द यूट्रस मोरूला डेवलप्स फर्दर इंटू ब्लास्टोसिस्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स इम्प्लांटेड। द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स इम्प्लांटेड। द ब्लास्टोसिस्ट लिख लो, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। अगेन अगेन द स्ट्रक्चर आई हैड ड्रॉन। मैंने ऐसा ही स्ट्रक्चर, दिस इज एग, मेनी स्पर्म्स अप्रोचेस एग, बट ओनली वन स्पर्म एंटर्स इनसाइड टू फॉर्म जाइगोट। राइट, तो अब हम तो यहां पे पहले आपने क्या लिखना है बेटा? यहां पे एक बॉक्स में लिख लो, फर्स्ट इज एग, यहां से स्पर्म आया, प्रोसेस क्या हुई? फर्टिलाइजेशन, उसके बाद बना जाइगोट, जाइगोट ने बनाया मोरूला, मोरूला ने बनाया ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट की हुई इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट की हुई इम्प्लांटेशन और फिर इम्प्लांटेशन के बाद ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, उसके बाद बना फीटस। अभी हम बताएंगे फीटस क्या है। फीटस के पास डेवलपमेंट फर्दर हुई और फिर बर्थ ऑफ बेबी। ऊपर लिख ला ना, चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या वेरियस इवेंट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेरियस इवेंट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोरूला आपको पता चल गया, ब्लास्टोसिस्ट पता चल गया, फीटस के बारे में भी लिख लो। फीटस क्या है? व्हेन ऑल द स्ट्रक्चर्स, व्हेन ऑल द स्ट्रक्चर्स व्हेन ऑल द स्ट्रक्चर्स और बॉडी पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो
आर रेकोग्नाइज्ड, आर रेकोग्नाइज्ड, द स्टेज इज कॉल्ड एज फीटस। जब एम्ब्रियो में सब ये लेग्स है, ये आर्म्स है, ये आईज है, ये हेड है, ये हार्ट है, व्हेन ऑल द स्ट्रक्चर्स इन द एम्ब्रियो या ऑल द बॉडी पार्ट्स इन द एम्ब्रियो आर रेकोग्नाइज्ड, द स्टेज इज कॉल्ड एज फीटस। राइट, नाउ डू दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास सेवंथ, सॉरी एट्थ, आई एम सॉरी, एट्थ एफ तरनदीप, एट्थ एफ तरनदीप। हां जी, जल्दी से आ जाओ तरनदीप। टेल मी, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट स्टार्ट्स इन, कहां पे शुरू हो जाती है, एंड इज कंप्लीटेड इन? यस, वेरी गुड, इट इज कंप्लीटेड इन यूट्रस। इट स्टार्ट्स इन फिलोपियन ट्यूब्स एंड इट इज कंप्लीटेड इन यूट्रस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। लिखो फटाफट से, दैट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इन यूट्रस, ब्लास्टोसिस्ट, फीटस, मोरूला, जाइगोट, क्या चीज होती है? ऑप्शन मैं दे देती हूं, ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट, फीटस, मोरूला या फिर ब्लास्टोसिस्ट। और सेम ही ऑप्शंस यहां पर, एट्थ जी के बच्चे यहां पे बैठे हैं कि नहीं? रेज योर हैंड्स इफ एट्थ जी इज देयर। चलिए बैठे हैं, वेरी गुड, एट्थ जी तो है ही। आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आया। सो वी कम टू वरिंदर, वरिंदर कौर फ्रॉम एट्थ जी, गुरप्रीत। हाँ, वरिंदर एंड गुरप्रीत, रोल नंबर 21। हाँ जी वरिंदर, दैट एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इन यूट्रस। हाँ जी, मोरूला, मोरूला वेरी गुड, बैठो बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, दैट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। हाँ, जोर से, लास्ट ब्लास्टोसिस्ट, वेरी गुड। इट इज ब्लास्टोसिस्ट। देन एट्थ ए में से आ जाइए बेटा, कुशल, कुशल, टेल मी व्हाट इज इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट डू यू नो बेटा, पहले ये बताओ जल्दी से, यस और नो? नो नो, बैठो बेटा। देखो यहां पे, देखो, दिस इज यू नो यूट्रस है, लेट अस से, और ये इसकी थिक वॉल है ना, दिस इज द थिक वॉल ऑफ द यूट्रस। यहां पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये यहां पे अटैच हुआ, दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। इसने यूट्रस की ये वॉल जो है ये डिसॉल्व कर दी, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस,
ड्यू टू विच, यहाँ पे ध्यान से देखें, ड्यू टू विच ये वॉल डिजोल्व हो गई और ये ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर गया। और जब ब्लास्टोसिस्ट वॉल के अंदर चला जाता है, देन दिस वॉल अगेन रीजेनरेट्स एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। तो अब ध्यान से देखना है कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट या ब्लास्टोसिस्ट इस कैविटी में ऐसा सच नहीं हो रही है, वो कहां पे हो रही है, वॉल में हो रही है। फिर जैसे जैसे ये ग्रो करता रहता है, ये फिर कैविटी खत्म होती रहती है, राइट? तो व्हाट इज इम्प्लांटेशन, राइट डाउन। इम्प्लांटेशन इज डिफाइंड एज एम्बेडिंग, इट इज एम्बेड, धस जाना, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन थिक वॉल ऑफ यूट्रस। इन थिक वॉल ऑफ द यूट्रस, दिस इज इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज फीटस, आई हैव टोल्ड यू। व्हाट इज द प्रेगनेंसी पीरियड इन ह्यूमन फीमेल्स, एनीबडी हु कैन टेल? कितने टाइम, हम कहते हैं 9 महीने तो हमें पता है, वीक्स बताइए। 40 वीक्स। वैसे 36 to 40 वीक्स है, बट क्योंकि आपकी बुक में 40 वीक्स है, सो वी से द प्रेगनेंसी पीरियड इज 40 वीक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, आपको आता ही है, एक क्वेश्चन लिखिए। डिफरेंस इन जाइगोट मोरूला एंड ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट सिंगल सेल्ड, मोरूला 8 to 16 सेल्स कह देते हैं, बट आपकी बुक में 8 सेल्ड है, सो राइट डाउन 8 सेल, बट 16 सेल्स भी हो सकता है। 8 to 16 सेल्ड एम्ब्रियो। हाँ जी बेटा, ब्लास्टोसिस्ट मेनी सेल्ड एम्ब्रियो विद ए कैविटी, मेनी सेल्ड एम्ब्रियो विद ए कैविटी। मेनी सेल्ड एम्ब्रियो विद ए कैविटी, और फिर लिखिए जाइगोट फॉर्म्ड इन फेलोपियन ट्यूब, फॉर्म्ड इन फेलोपियन ट्यूब्स। मोरूला फॉर्म्ड इन फेलोपियन ट्यूब्स एंड ट्रांसफर्ड इन यूट्रस। मोरूला फॉर्म्ड इन फेलोपियन ट्यूब्स एंड ट्रांसफर्ड इन यूट्रस। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म्ड इन यूट्रस एंड इज इम्प्लांटेड, फॉर्म्ड इन द यूट्रस एंड इज इम्प्लांटेड। ओके, डायग्राम बना लिया बेटा, दिस इज कैविटी।
चलिए जी, नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। जल्दी से हम इस पे बात करते, ऑल्दो इट इज इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट हम यहीं पे बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सो व्हाट हैपेंस, इट इज बाय सेक्स क्रोमोसोम्स। तो व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स बेटा? अच्छा, न्यूक्लियस सबको पता है कि नहीं? जिस जिसको पता है रेज योर हैंड्स, हु हैव हर्ड दैट सेल्स हैव न्यूक्लियस। रेज योर हैंड्स इफ यू नो अबाउट न्यूक्लियस। बेटा पता ही नहीं है, 8th ए वाले स्टूडेंट, डू यू नो न्यूक्लियस? कभी सुना है 8th ए ने? अच्छा, सेल्स के बारे में सुना है? सेल पता है? यस, मैम यस सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। सो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस ऑफ सेल्स। इन ह्यूमंस, ध्यान से देखो, ईच सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स। ये कुछ भी गलत होगा अब चले ईच सेल हैज, ध्यान से समझना, बुक में नहीं है, उन्होंने सिंपल से एक्सप्लेन कर दिया सेकेंड चैप्टर में, बट यू डोंट अंडरस्टैंड इट। There are 46 क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स, देयर आर टू सेक्स क्रोमोसोम्स। 44 क्रोमोसोम्स अलग है, दो सेक्स क्रोमोसोम्स है। बोथ मेल एंड फीमेल हैव सिमिलर 44 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है मेल और फीमेल में सिमिलर है, बट हैव डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट दे हैव डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या डिफरेंट है? यू नो किसका साइन है? फीमेल्स का। जिसको नहीं पता, ये साइन लिख के राइट डाउन इन ब्रैकेट, फीमेल्स सेक्स क्रोमोसोम्स। विच सेक्स क्रोमोसोम्स? वेयर एज इन मेल्स देयर इज एक्स। Is it okay? Have you written this? हम बस ये last topic, 2 more minutes I think अभी है हमारे पास time, 2-3 minutes I require more. What I had told you that each cell has 46 chromosomes. यहाँ पे bracket में लिखो except gametes. EXCEPT, except gametes. Gametes are sperms and eggs.
एक्सेप्ट गैमेट्स? तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, गैमेट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फॉर्म्स जो है टू टाइप्स, कौन से दो टाइप के है? 22 क्रोमोसोम्स है और उसके साथ या तो एक्स है या दूसरा है 22 क्रोमोसोम्स अलोंग विद वाई। 22 प्लस वाई 23, 22 प्लस एक्स 23, या तो एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है, जबकि तो एक्स है। द एग्स ओनली वन टाइप, 22 प्लस एक्स। के बाद है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में एग और ये है स्पर्म और ये है जाइगोट, हम कॉलम बनाते हैं। अरे अगर एग, बस लास्ट टॉपिक है समझ लो बस, इफ द एग इज, एग तो है ही 22x और स्पर्म, एक स्पर्म आएगा इफ इट इज 22x, देन द जाइगोट विल बी 44xx, इट विल फॉर्म फीमेल। एग इज 22x बट इट फ्यूजेस विद द स्पर्म 22y, देन इट फॉर्म्स 44xy एंड इट विल बी मेल, इट विल डेवलप इनटू मेल। बेटा किस स्टेज पे पता चलता है कि जो बच्चा बनेगा वो लड़का होगा कि लड़की होगी? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। हम क्वेश्चन एक पूछते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन अकर्स एट विच स्टेज, तो कई बार बच्चे क्या लिख देते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि हमें पता चलता है बर्थ के टाइम की लड़का है लड़की, बट अंदर बॉडी को तो पता चल जाता है किस टाइम, जब फर्टिलाइजेशन हो गई तभी पता चल गया कि इस जाइगोट ने किसमें डेवलप होना है, मेल में कि फीमेल। राइट डाउन दिस एंड लास्ट पॉइंट, देयरफॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस अकर्स टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन।
एवरीबॉडी क्लियर? एवरीथिंग, जिन जिन बच्चों को सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आया रेज योर हैंड्स। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सो दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। राइट डाउन ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन लिखा है 3 मार्क्स कि हाउ सेक्स इज डिटर्मिंड इन द केस ऑफ ह्यूमंस। दिस इज द यू नो यू हैव टू राइट। कोई मुश्किल नहीं है एंड यू विल गेट 3 मार्क्स कंप्लीट टुमोरो। वैसे वी विल डू ओनली दिस मच टुडे, बट टुमोरो के टॉपिक्स मैं बता दूं। हमने ट्विंस की बात करनी है कल, कल हमने बात करनी है क्लोनिंग की, और बस ये दो हमने बातें करनी है, ट्विंस एंड क्लोनिंग की, राइट? और टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में, राइट? बट इससे पहले आज घर जाकर डू द वर्कशीट, ठीक है? सो फर्स्ट वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द वर्कशीट, देन वी विल डू क्लोनिंग एंड ट्विंस, क्योंकि ट्विंस में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ एक दो लाइंस लिखी हुई है ट्विंस के बारे में। वी विल डू, मैं आपको वो थोड़ा समझाऊंगी जरूर, सो दैट जो भी आपकी क्यूरियोसिटी हो वो दूर, राइट? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू टीचर्स, एंड बाय बाय। बाय।